सेमी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस, जो ट्रेन 18 के नाम से भी जानी जाती है, हर किसी के मन में इस ट्रेन के किराए को लेकर अब तक कई सवाल थे, जिसका खुलासा अब हो चुका है। एयर कंडीशन चेयर कार टिकट का किराया 1850 रुपए है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3520 रुपए है। इसमें केटरिंग शुल्क भी शामिल है। ये किराया दिल्ली से वाराणसी के लिए है। रिटर्निंग के दौरान चेयर कार का किराया 1795 रुपए है। एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर कार का किराया 3470 रुपए है। वहीं अगर प्लेन के टिकट की बात करें तो दिल्ली से बनारस जाने के बीच सस्ती फ्लाइटों का टिकट 2099 रुपए पड़ेगा। दिल्ली से वाराणसी जाने के दौरान एग्जीक्यूटिव क्लास में सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट और लंच की कीमत 399 रुपए रखी गई है, जबकि चेयर कार में 344 रुपए है। ठीक उसी तरह वाराणसी से दिल्ली आने के दौरान एग्जीक्यूटिव क्लास में खाने का रेट 349 रुपए और चेयर कार में खाने का रेट 288 रुपए है। दिल्ली से वाराणसी के बीच ट्रेन के दो स्टॉपेज कानपुर और प्रयागराज है। ट्रेन 18 से 755 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। अब आइए इस ट्रेन की खासियत के बारे में जान लें। समय मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर हूं और इस समय ये ट्रेन हम कह सकते हैं टाइम ट्रायल पर है, यानी नई दिल्ली से बनारस की तरफ चल चुकी है, वाराणसी की तरफ चल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास कोहरे को चीरती हुई ये ट्रेन आगे बढ़ रही है और अभी तक का जो सफ़र है वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव क्लास किस तरीके का होगा, यानी इस ट्रेन का बिजनेस क्लास की अगर हम बात करते हैं वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें जगह बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक पंक्ति में हम कह सकते हैं कि दो दो सीटें हैं, इधर भी दो हैं उधर भी दो हैं। पूरे कोच के अंदर अगर हम कहें तो पूरे कोच के अंदर 58 सीटें हैं। 58 सीटों की ये कोच हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास है। इस तरीके के दो कोचेज हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खास तरीके की ये सीटें हैं। यहाँ पर एक बटन दबाकर इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए, बटन दबाया, आगे आ गई, पीछे ले जाना है तो ये पीछे चली जाएगी। और इसके अलावा देखें तो इसमें जो बैठने का जो व्यवस्था है, बैठने की जो व्यवस्था है, वो खास तरीके की सीटें हैं। मतलब आपकी रीढ़ पर जोर ना पड़े, आपकी पीठ में दर्द ना हो, आराम से आप सफ़र कर सकें, इस तरीके की सीट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये इस तरीके का है कि इसमें धूल ना बैठे, मतलब धूल आसानी से हट सके, इसमें चिपके नहीं, और इसका कलर इस तरीके का है कि ये गंदा नहीं होगा। तो एक खास एस्थेटिक सेंस के साथ इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा देखें तो इसमें हम कह सकते हैं हर जगह पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। हर एक सीट के बीच में चार्जिंग पॉइंट है। ये देखिए चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर लैपटॉप लगा लीजिए या अपना फ़ोन चार्ज करना हो वो कर लीजिए। और हर एक सीट के लिए है, ऐसा नहीं कि दो के बीच में एक है, यहाँ पर भी एक है। ये देखिए हर एक सीट के पास में एक एक लगा हुआ है। और इसके अलावा देखें तो इसमें जो लेग स्पेस है काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है। आराम से बैठिए, मज़े से आप सोते हुए सफ़र करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे ये क्या हुआ, ये देखिए एक और गजब चीज़ है इसके अंदर। आप सीटों को खुद मोड़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही हो ट्रेन उधर कर लीजिए। ये देखिए अगर चार लोग हैं तो आराम से बैठ जाइए मज़े से, चारों सीटें एक तरफ हो गई। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि हमको बाहर का नज़ारा लेना है तो आप यहाँ पर फिर बैठ जाइए और आराम से बाहर देखते हुए चले जाइए। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप सफ़र कर सकते हैं, बेहतरीन व्यवस्था की गई है। देखिए ये, और उसमें जिस तरीके का खटका लगा हुआ है उसको आप दबाते हैं और वो अपने आप जो है सेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कोशिश की गई है। और इसके अलावा अगर हम देखें हर जगह रीडिंग लाइट है, टच रीडिंग लाइट है, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये जल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्दे दिए गए हैं खास तरीके के, आराम से इसको हल्का सा पुश करिए खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर का एक्सपीरियंस है, मतलब जो रेल यात्री हैं उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए रेलवे ने पूरी कोशिश की है। और आने वाले समय में रेलवे इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलाएगी जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, इसका IPR भारत के पास है। ये भारतीय रेलवे की एक हम कह सकते हैं कि उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है इसको। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का जो सफ़र होगा आने वाले समय में वो काफ़ी सुविधाजनक होगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। ये ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है, यानी ये मेक इन इंडिया का दम दिखाती है।
देश की पहली इंजन रहित इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को ट्रेन 18 को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे मातरम एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 10 बजे रवाना किया जाएगा। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है, लेकिन